मैंने पिछली एक वीडियो में आपसे ऑयन मॉर्गन मॉडल एक्सप्लेन किया था किसी भी टीम की ट्रांसफॉर्मेशन का। आज मैं जरा रोहित शर्मा मॉडल पे बात करूंगा, और पाकिस्तानी कैप्टन कोई भी हो, चाहे बाबर आजम हो, शान मसूद हो, या कोई मोहम्मद रिजवान बन जाए, या कोई भी आ जाए, उसको अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिवाइव करना है तो उसके लिए रोहित शर्मा मॉडल शायद वक्त की सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करें। इस मॉडल के तीन मेजर पॉइंट्स होंगे। जो पहला पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक वाकया शेयर करता हूँ। ये 2022 का T20 वर्ल्ड कप था, और वहां पर इंडिया की टीम सेमीफाइनल हारी थी इंग्लैंड से 10 विकेटों से। तो उस मैच के बाद रोहित शर्मा ने जो अपनी ड्रेसिंग रूम में जो स्पीच की थी वो ये नहीं थी कि वेल प्लेड बॉयज, आप बहुत अच्छा खेले, किस्मत हमारे साथ नहीं थी, आप सेमीफाइनल तक पहुंचे, ये आपकी बड़ी अचीवमेंट है, ऐसी बातें उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने क्या बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि हमारी टीम सेमीफाइनल खेलना डिजर्व नहीं करती थी, हम लोग डिजर्विंग नहीं थे कि हम यहां तक भी आते। तो उन्होंने कहा कि जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेल रहे हैं, जिस अप्रोच के साथ हम खेल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम इस अप्रोच के साथ किसी T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक भी नहीं जा सकेंगे, तो हमें अपना ब्रांड, अपनी अप्रोच चेंज करनी है। उस चेंज अप्रोच का मुजाहरा उन्होंने कब किया, जब 2023 का वनडे वर्ल्ड कप हुआ, रोहित शर्मा ने आकर खुद से स्टार्ट किया, उन्होंने सामने से अपनी टीम को लीड किया, और ये जिम्मेदारी अप्रोच बदलने की अपने ऊपर ली कि मैं शुरू करूंगा, आप सबने मुझे फॉलो करना है। और फिर आगे वो क्या कर रहे थे, वो पहले 10 ओवर में वनडे वर्ल्ड कप के 80 से 90 रन बना रहे थे, और शुभमन गिल तो 100 के स्ट्राइक रेट पे खेलते थे, रोहित शर्मा 200 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि रोहित शर्मा की उन इनिंग्स की वजह से नीचे वाले सारे बैट्समैन पे प्रेशर खत्म हो गया, और विराट कोहली जब आते थे तो रन रेट उनके लिए मैटर ही नहीं कर रहा होता था, क्योंकि ऑलरेडी इतना स्कोर जमा हो चुका होता था। तो इस वजह से उन्होंने इतना कंसिस्टेंटली 100 स्कोर किए उस वनडे वर्ल्ड कप में, और इतने रन स्कोर किए, और चाहे वो फाइनल हार गए, एक बुरा दिन उनका गुजरा, बल्कि चंद बुरे घंटे गुजरे, अदरवाइज हम सब जानते हैं कि इस वनडे वर्ल्ड कप की जो सबसे बेस्ट टीम थी वो इंडिया थी। और उसके बाद जब वो T20 वर्ल्ड कप में गए हैं तो उन्होंने टूर्नामेंट जीत भी लिया है। तो ये चीज है, अगर पाकिस्तानी कैप्टन अगर ये चाहते हैं कि हमारी टीम के हमारे प्लेयर्स अपनी अप्रोच बदलें, तो वो फिर उन्हें खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि बाबर आजम या रिजवान खुद तो T20 में 110 के स्ट्राइक रेट पर बैटिंग करें और अपनी टीम के बाकी प्लेयर से कहें कि आप 150 पे बैटिंग करो, वो कभी नहीं करेंगे। शान मसूद ने कुछ हद तक टेस्ट मैचेस में जो बात की है कि हमें अग्रेसिव इंटेंट के साथ खेलना है, वो खुद उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, 80-90 के स्ट्राइक रेट पर बैटिंग कर रहे हैं, ऑल दो के वो कोई इनिंग्स को बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए, बट समहाउ नजर आता है कि हाँ, जो वो बात कर रहे हैं उसको वो काम से कम खुद करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। तो यही चीज अब आगे पाकिस्तानी कैप्टन को करने की जरूरत है कि जो भी टीम को प्लान दे खुद से स्टार्ट करें, पहले पर्सन उस प्लान पे अमल करने वाले आप खुद हों, तो बाकी सारे ऑटोमेटिकली उस पर अमल करना शुरू हो जाएंगे। दूसरी जो चीज हुई वो ये थी कि रोहित शर्मा पिछले कुछ अरसे में कितनी दफा 40s में आउट हुआ, कितनी दफा 80s और 90s में आउट हुआ, उसकी 50s मिस हुई, उसकी 100s मिस हुई, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता, कोई बोदर ही नहीं करता। रोहित शर्मा ने कभी बात ही नहीं की कि मैंने साल में इतनी 100 स्कोर कर ली, मैंने इतनी 50 स्कोर कर ली, ना रोहित शर्मा ने ये बात की, ना उनके कैंप से, ना उनके लिए ये कोई टॉपिक है कि आपने कितनी 50s की, कितनी 100s की। क्यों? क्योंकि वो 40s में 45 पे खेल रहे हैं, 47 पे खेल रहे हैं, तो भी वो छक्का मारते हुए आउट हो जाते हैं, टीम के इंटरेस्ट में वो स्लो डाउन नहीं होते। वनडेज में 80s 90s पर जाके भी वो आउट हो रहे हैं तेज खेलने की कोशिश के अंदर। दूसरी तरफ हमारा जो भी चैंपियंस कप हुआ, तो कामरान गुलाम एक मैच में 90 रन पे खेल रहे थे और उनका स्ट्राइक रेट 110 का चल रहा था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अगले 10 रन 15 गेंदों पे बनाए। इसी तरीके से तैयब ताहिर एक मैच में खेल रहे थे, क्वालिफाइंग मैच था, और तैयब ताहिर के 90 रन हो गए थे, और उस टाइम टीम को जो रिक्वायर्ड रेट था वो 10 का था। तैयब ताहिर ने अगले 10 रन 16 गेंदों पे बनाए और रिक्वायर्ड रेट 10 से बढ़कर 13 का हो गया, और फिर वो टीम मैच हार गई स्टैलियंस। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पर्सनल माइलस्टोन मैटर ही नहीं करते, जो चीज मैटर करती है वो आपकी टीम का एंड रिजल्ट, आपकी टीम के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट है। तो ये जो हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स 50s करके 100s करके केक काटते हैं, 1000 स्कोर साल में करके केक काटते हैं, ये छोड़ दें इन सेलिब्रेशन को, ये बात ही ना करें ड्रेसिंग रूम में कि किसने कितनी 100s कर ली है, किसने कितनी 50s कर ली है, बल्कि टॉपिक डिस्कशन का ही होना चाहिए कि किसने कितने मैचेस जितवा लिए हैं, किसकी इनिंग्स की वजह से हम मैचेस जीते हैं, किसने कितने मैन ऑफ द मैचेस लिए हैं, ये मैटर करता है, इस पर फोकस करें। तो पर्सनल माइलस्टोन पे फोकस ना करें, अगर पर्सनल माइलस्टोन पे फोकस करेंगे, कप्तान अगर खुद फोकस करेगा और अपनी 50 को, अपनी 100 को अगर वो केक काट रहा होगा, तो
तो टीम के बाकी प्लेयर्स भी यही सोचेंगे कि भाई 50 करके केक काटना है, टीम जीते या हारे मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे वहां पर हंड्रेड शो हो रही चाहिए कि इसने सीजन में 3 सेंचुरियां की हैं, इसने 500 की हैं, इसने 650 की हैं। तो ये चीज खत्म करनी पड़ेगी, रोहित शर्मा ने ये चीज खुद करके टीम में खत्म करवाई है। जो तीसरी चीज है वो ये है कि आप देखेंगे 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए कुलदीप बहुत बड़ा एसेट थे, बॉलिंग में आके मिडिल ओवर्स में उन्होंने तबाही मचाई हुई थी, बट जब वो T20 वर्ल्ड कप खेलने गए हैं तो शुरू के मैचेस में उन्होंने कुलदीप को बेंच किया, कोई छोटी बात नहीं थी। वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो केस देख रहे थे, फेस नहीं देख रहे थे, वो ये देख रहे थे कि पिच कैसी है, इस पिच पे कौन सा प्लेयर कामयाब हो सकता है, जितना भी बड़ा प्लेयर हो अगर उस पिच के लिए सूटेबल नहीं है तो बाहर बैठो। अश्विन को टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल्स उन्होंने बाहर बैठाए हैं, और इंग्लैंड के खिलाफ पूरी सीरीज टेस्ट सीरीज में अश्विन बाहर बैठे थे। वजह क्या थी कि नहीं बन रही भाई जगह, हालांकि वो कितना क्वालिटी ऑफ स्पिनर है, कितना अच्छा ऑलराउंडर है, बट उस कॉम्बिनेशन में उन्होंने एक स्पिनर खिलाना था, वो जडेजा को प्रेफर कर रहे थे बैटिंग की वजह से, फील्डिंग की वजह से, क्योंकि स्पिनर्स को इतना टर्न नहीं मिलना था। तो उन्होंने वहां पे ये नहीं किया कि अश्विन और जडेजा दोनों खिला लेते हैं, पेसर 3 कर लेते हैं, नहीं, पेसर 4 पे जाना है। तो ये जो अप्रोच है कि आपको केस देखना है, आपको फेस नहीं देखना, बड़े से बड़े प्लेयर को बेंच करना पड़े, इन फॉर्म प्लेयर एक मैच में 100 करता है, अगले मैच में उस सिचुएशन के लिए सूटेबल नहीं है, बाहर कर दो, तीसरे मैच में फिर वापस ले आओ, कोई मसला नहीं है। बट ये नहीं सोचना कि पिछले मैच में 2 आउट कर लिए थे, 50 कर ली थी, 100 कर लिया था, तो अब चाहे पिच को सूट करता है कि नहीं करता, कॉम्बिनेशन में एडजस्ट होता है कि नहीं होता, उसको लाजमी खिलाना है। इस अप्रोच से पाकिस्तानी कैप्टन को बाहर निकलने की जरूरत है, अगर वो इस अप्रोच से बाहर निकलेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट रिवाइव हो सकती है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है।